हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज फेमस रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स किसे बोलते हैं बच्चों? रिफॉर्मर्स हम उन्हें बोलते हैं जो हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आए हों, है ना, वो उन्हें हम बोलते हैं रिफॉर्मर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़ना। इस चैप्टर में हम बहुत सारे फेमस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सोसाइटी में एक मेजर चेंज लेकर आए। तो फेमस सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है, ग्रेट किंग्स के बारे में पढ़ना है और रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है। बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू। मैच द होली बुक विद देयर रिलीजन। यहाँ पे होली बुक है और ये रिलीजन है। तो जैसे भगवद गीता है वो किस रिलीजन की है? तो इट इज हिंदूज। नाउ कुरान किसकी है? तो कुरान इज ऑफ इस्लाम। फिर अवेस्टा किसकी है? तो पारसीज की। और गुरु ग्रंथ साहिब किसकी है? सिखिज्म की। तो ये होली बुक्स किस पर्टिकुलर रिलीजन की थी, ये हमें मैच करना था। नाउ इंडिया हैज़ अ रिच वेराइटी ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स हु हैव हेल्प टू इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज का जो हमारा मॉडर्न इंडिया है वो हमेशा से ऐसा नहीं था बच्चों। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर आए। सोशल रिफॉर्मर्स एडवोकेट रिफॉर्म्स एंड प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग बाय स्टार्टिंग मूवमेंट विच एम टू रिमूव द माल प्रैक्टिसेस एंड इनजस्टिस इन द सोसाइटी। अब सोशल रिफॉर्मर करते क्या हैं? तो सोशल रिफॉर्मर जो हमारी सोसाइटी में कुछ गलत प्रथाएं फॉलो होती हैं जिनसे लोगों का नुकसान होता है, उन प्रथाओं के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं और उन प्रथाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो थे सोशल रिफॉर्मर। नाउ आर रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय सोशल एक्टिविस्ट एम टू ब्रिंग अबाउट ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी। उनका मेन काम क्या था कि सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आए। जो कुरीतियां हैं, जो ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो करके लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको हटा दिया जाए। इसी से और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि आप जिस रिचुअल या ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो वो गलत है, उससे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है और अबाउट द इश्यूज इन हैंड। और उनको बताना पड़ेगा कि इनसे कितने इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। नाउ लेट अस नॉट जनरेट कितने इश्यूज बन रहे हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ दी सोशल रिफॉर्मर्स हु हैव हेल्प टू मेक अवर सोसाइटी अ मोर इक्विटेबल एंड सिविलाइज्ड प्लेस। आज जो हमारी सोसाइटी जितनी सिविलाइज्ड है, जैसे बोलते हैं पढ़े लिखों की सोसाइटी है, इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लोग ज़्यादा मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। लोगों ने बहुत, हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनका बहुत मेजर हाथ है जिन्होंने इतने बड़े बड़े चेंजेस हमारी सोसाइटी में लाए हैं। नाउ फेमस सोशल रिफॉर्मर्स, अब वन बाय वन हम उन रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास दयानंद सरस्वती, जिनका बर्थ था 1824 में और डेथ थी उनकी 1883 तक स्वामी दयानंद सरस्वती जो यहाँ पे बने हुए हैं ये थे। नाउ चाइल्डहुड नेम स्वामी दयानंद जी का था मूलशंकर और ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन टंकारा इन गुजरात इन 1824 में गुजरात के छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड द वेदास एंड टुक अप द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग ट्रू हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। उन्होंने सबसे पहले बहुत वेदों की पढ़ाई की और वेद पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें सोसाइटी में सही मायने में जो हिंदू रिलीजन है उसको लोगों तक पहुंचाना है। सो ही एस्टैब्लिश्ड द आर्य समाज इन बॉम्बे इन 1875 में उन्होंने बॉम्बे में एक आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज डिड रिमार्केबल वर्क फॉर रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन। और आर्य समाज ने बहुत अच्छा काम किया जो हिंदू रिलीजन है उसके कुछ रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को बदल के। इट स्ट्रक द सोशल इवेल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, जैसे कि पहले हमारे यहाँ बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, है ना, उनको बहुत बड़े तक नहीं रखा जाता था, उनकी कोई एज नहीं होती थी, तो बच्चों की शादी को रोकना, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी मतलब होता है कि दो से ज़्यादा शादियाँ कर लेना, किसी की दो बीबियाँ हैं, किसी की तीन बीबियाँ हैं, इस चीज़ को रोका। नेक्स्ट पर्दा कस्टम, पर्दा मतलब कि औरतें जो है वो हमेशा घूंघट में रहेंगी, उनका फेस रिवील नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म, कास्ट की बेसिस पे जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट,
तो इन इतने बड़े बड़े चीजों में ये आर्य समाज ने मिलकर क्या किया, चेंजेस किए। नाउ नेक्स्ट वन इज सती कस्टम। तो व्हाट इज सती कस्टम? सती क्या होता था बच्चों, अर्लियर अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जब उस उनके हस्बैंड को जलाया जाता था तो साथ में उनकी वाइफ को भी, भले ही वो जिंदा है, उसके साथ जला दिया जाता था। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो हमारी सोसाइटी में फॉलो होती थी, जिसे इन रिफॉर्मर्स ने बदला। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। अब क्या होता है, हम कैसे बदल सकते हैं? तो सबसे पहले तो है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए और उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने खोले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैटर टू द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन इन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले उसमें उन्होंने एंश्योर किया कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही पढ़ें। नाउ स्वामी दयानंद आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। हमारे भारत देश की आजादी के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। ही रोट बुक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने एक बुक लिखी है। मैनी नेशनल लीडर इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। जो हमारे इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, सब लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। नाउ स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर स्वामी विवेकानंद है। नाउ नेक्स्ट वन इज राजा राम मोहन रॉय, जो 1772 से 1833 तक रहे। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन 1772 इन स्मॉल विलेज नेम्ड राधा नगर इन बंगाल। बंगाल के छोटे से विलेज राधा नगर में इनका जन्म हुआ था 1772 में। ही स्टडीड सेवरल फिलोसफीज एंड रिलीजन सच एज हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज्म। इन्होंने हर धर्म के बारे में पढ़ा एक्सेट्रा। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वेस्टर्न कल्चर। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। ही टुक अप द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन। तो इन्होंने हिंदू सोसाइटी को भी बदलने की कोशिश की। ही वर्कड फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन। इन्होंने किस दिशा में काम किया कि जो वुमन है उनको भी राइट टू एजुकेशन हो, मतलब उनको भी पढ़ने का अधिकार हो और वो भी अपना एजुकेशन ले सके। तो उन्होंने इस डायरेक्शन में काम किया। नाउ राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड द एवोल्यूशन ऑफ सती कस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। इन्होंने भी चाइल्ड मैरिज को रोका कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये सती प्रथा, ये देखो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके ऊपर उनकी वाइफ को भी जला दिया गया, तो इसको भी उन्होंने रोका। दिस इज सती प्रथा। ही आल्सो सपोर्टेड विडोरी मैरिज। पहले जो भी विधवा होती थी, इतनी कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो लाइफ टाइम वो किसी दी मैरिज नहीं कर सकते थे। इस चीज को भी वो रिफॉर्मेंट लेके आए कि भाई आप दूसरी शादी भी कर सकते हो। ड्यू टू हिज एफर्ट द सती कस्टम वॉज एबोलिस्ड इन 1829। और इनके एफर्ट्स के कारण 1829 में सती प्रथा बिल्कुल से खत्म हो गई। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म सभा, लेटर नेम्ड ब्रह्म समाज इन 1828। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो भी इसी दिशा में काम करते थे। नाउ ज्योतिबा फूले, 1827 से 1890 तक। तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले, पॉपुलरली नोन एज ज्योतिबा फूले, वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। आज भी होती हैं सोशल एक्टिविस्ट, समाज सुधारक, थिंकर, राइटर और थियोलॉजिस्ट हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन। इन्होंने वुमन की अपलिफ्टमेंट के लिए, कि उनकी कंडीशंस पहले बहुत ज़्यादा खराब थी, पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था, सती हो जाना, सती प्रथा को फॉलो करना, विडोरी मैरिज नहीं होना, एजुकेशन का कोई राइट नहीं होना, इस दिशा में उन्होंने काम किया। रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव करने पे इन्होंने काम किया। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को छू भी नहीं सकते, अनटचेबिलिटी थी। रूरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब गरीबी थी बहुत ज़्यादा गाँव में।
So he founded the first girls school in India 1848 में इन्होंने सबसे पहले इंडिया की गर्ल्स स्कूल को शुरू किया एंड फॉर्मड विथ हिज फॉलोअर सत्यशोधक समाज और इन्होंने सत्यशोधक समाज को बनाया जिसका सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रुथ जो सच के लिए आवाज उठाते थे तो ज्योतिबा फूले किसकी फाउंडर थी सत्यशोधक समाज की नाउ वी ज्योतिबा फूले के बाद ज्योतिबा फूले थे नाउ ग्रेट किंग्स वी विल लर्न अबाउट ग्रेट किंग्स सो अशोका द ग्रेट वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द फेमस रूलर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीवी पे सीरियल आता था सबने देखा होगा तो उनके ग्रैंड सन थे कौन अशोका ही फॉट मैनी बैटल्स टू एक्सपांड हिज एम्पायर बट द बैटल विद द आर्मी ऑफ कलिंगा चेंज हिज लाइफ उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े अपनी लाइफ में कि वो अपना जो जब भी पहले पुराने टाइम में जो बच्चों राजा हुआ करते थे वो इसीलिए वॉर लड़ा करते थे कि वो अपना जो भी एरिया है उसे किंगडम है उसे एक्सपांड कर सके बढ़ा सके क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े एरिया में उनका एक्सपांशन होगा उतना ज़्यादा इनको टैक्स आएगा उतना ज़्यादा इनके पास पैसा होगा और उतनी ही ज़्यादा इनके पास पावर होगी तो लेकिन जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा तो द बैटल ग्राउंड लुक्ड लाइक अ ग्रेवयार्ड विद बॉडीज ऑफ सोल्जर्स मैन वुमन एंड चिल्ड्रन लाइंग अबाउट इन थाउजेंड कलिंग वॉर में उन्होंने जब देखा कि बहुत सारी जो वुमन है मैन है बच्चे हैं वो क्या है बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में जमीन में बिछे हुए हैं और पूरे में ब्लड ब्लड हो रहा है तो ये पूरा रेड ब्लड देखकर कलिंग वॉर के बाद उनके अंदर क्या है चेंजेस आए ही saw यंग चिल्ड्रन widows एंड पेरेंट्स crying फॉर their लॉस्ट वन और उन्होंने देखा कि जो बहुत यंग पेरेंट्स हैं या widows हैं विधवा वो अपने पति के जाने के लिए जाने के गम में अपने बच्चों के जाने के गम में रो रहे हैं शोक मना रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी कलिंग वॉर के बाद तो दिस saddened him greatly and brought about a change of heart तो इसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी बदलाव हुआ ही placed never to fight a battle again और उन्होंने शपथ ली कि अब कलिंग वॉर के बाद वो कभी भी कोई दूसरा युद्ध नहीं लड़ेंगे अशोका द ग्रेट की इमेज नाउ नेक्स्ट इज ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा वो किसके फॉलोअर बन गए लॉर्ड बुद्ध के भगवान बुद्ध के फॉलोअर बन गए बिगेन टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनिमल्स और एनिमल्स और लोगों की भलाई के लिए ये क्या करने लगे काम करने लगे ही इज क्रेडिटेड टू बी द फर्स्ट एम्परर टू मेक अ सीरियस अटेम्प्ट एट डेवलपिंग बुद्धिस्ट पॉलिसीज जो ये सबसे पहले ऐसे राजा माने जाएंगे जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया बुद्धिस्ट पॉलिसीज को आगे बढ़ाया टुडे ही इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट किंग आज उन्हें इंडिया के एक बहुत बड़े राजा के रूप में हम इन्हें याद करते हैं नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 तक ही इज छत्रपति शिवाजी महाराज तो वॉज अ ट्रू किंग एंड अ ब्रेव वॉरियर बहुत ही साहसी वॉरियर थे सिंस चाइल्डहुड ही वॉज अ ब्रेव बॉय एंड शोड द क्वालिटीज ऑफ अ रूलर बचपन से ही उनमें राजा जैसी क्वालिटी थी है ना बहुत ही साहसी थे ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजियस टीचिंग्स में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट था हिज फर्स्ट एसॉल्ट वॉज ऑन द टॉर्ना फोर्ट इन पुणे सबसे पहला इन्होंने टॉर्ना फोर्ट जो पुणे का है उसको जीता था ही कैप्चर्ड द फोर्ट एट द एज ऑफ 16 और तब उनकी उम्र कितनी थी सिर्फ 16 साल After capturing Torna Fort, he captured Kondana and Raigarh Fort. फिर कोंदना और रायगढ़ के forts किले जीते इन्होंने At the rise of Shivaji power, जैसे जैसे शिवाजी की power बढ़ती गई the Sultan of Bijapur arrested his father. जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने उनके father को arrest कर लिया शिवाजी captured the fort of Purandar and Javeli after rescuing his father from the Sultan prison. उन्होंने सुल्तान के prison से अपने father को छुड़ाने के साथ साथ उनके किलों पर भी कब्जा कर लिया जीत लिया नाउ शिवाजी रीन ड्यूरिंग शिवाजी रीन जब शिवाजी महाराज का राज चल रहा था
टाइम पीरियड था, द आर्मी वॉज वेरी एफिशियंट एंड डिपेंडेबल. आर्मी बहुत ज्यादा एफिशियंट थी. सिंस शिवाजी रूल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एरिया, मतलब ये जो इंडिया का हमारा वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट पे शिवाजी रूल करते थे. ही ऑल्सो कमांडेड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, नेवल फोर्स भी थी इनके पास. Now Shivaji is known for his protective and fatherly attitude towards its citizen. अब ये अपने जो इनके नागरिक थे, अपनी पूरी किंगडम के जो भी थे, उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे. एज अ फादर उनको सारे बच्चों की रक्षा करना, इस तरीके से वो ट्रीट करते थे. ही इज रिमेम्बर्ड एज अ हीरो हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड स्टेट. उन्हें एज अ हीरो की तरह हम पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने स्टेट के लिए, स्टेट की भलाई के लिए काफ़ी काम किया. नाउ वी हैव रिलीजन्स. सो गुरु नानक वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु. 10 सिख गुरु हुए, उनमें से सबसे पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक थे. नाउ इंडियन known as the land of spirituality and philosophy is the birthplace of some religions. यहाँ पे धार्मिक आध्यात्मिक देश माना जाता है भारत, जहाँ बहुत टाइप के रिलीजन्स हमको मिलते हैं, विच एग्जिस्ट इवन टुडे इन द वर्ल्ड, जो आज भी है, पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं. ओम हिंदू, रामायण हिंदू रिलीजन का है, भगवत गीता हिंदू रिलीजन. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट हिंदूज़. सो हिंदूज़ इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म ही हिंदूज़ है. ओम जो है वो मेन सिंबल है हिंदू का, और इट इज़ द साउंड हर्ड इन डीपेस्ट मेडिटेशन. जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन के टाइम पर भी हम ओम साउंड को प्रोनंशिएट करते हैं. टू ग्रेट एपिक्स ऑफ द हिंदूज, हिंदू टाइम के दो मेन एपिक्स जो है रामायण और महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ये सेकंड बुक्स ऑफ हिंदू, ये हिंदू की बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के. द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स, ब्रह्म, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, ब्रह्म भगवान. विष्णु प्रिजर्वर, बचाया है. शिवा डिस्ट्रॉयर, शिव उनको गुस्सा आया था जब बोलते तीसरी आँख खुल गई, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. Now next is Buddhism and Jainism. तो बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध. बुद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था. हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड बुद्धिस्ट, जो उनके धर्म को फॉलो करते थे उन्हें बुद्धिस्ट बोलते थे. ही रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. बुद्ध को पता चला कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा दुखी है, किसी ना किसी परेशानियों से घिरा हुआ है. ही वॉज इन सर्च ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस, इसीलिए वो पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे इंडिया में जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, कि ऐसी कौन सी खुशी है जो हमेशा रहे. सो ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड काइंडनेस. उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जी, जबकि वो राजा हुआ करते थे, है ना, राजा के पुत्र थे, तो उन्होंने लेकिन बहुत सिंपल लाइफ जी और प्यार और काइंडनेस का संदेश दिया. ही वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज एंड अटेंड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोधगया में. बोधि ट्री के नीचे, पीपल का ट्री जैसे बोला जाता है, बोधि ट्री के नीचे ऐसा बोलते हैं कि उन्हें एनलाइटमेंट, मतलब एक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ उन्होंने साधना की. टुडे बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मेजर रिलीजन है, और धम्मपदा जो है वो उनकी होली बुक है, किसकी, बुद्धिज्म की. नाउ नेक्स्ट इज सिखिज्म, इसमें जैनिज्म बोला गया था बट जैनिज्म के बारे में बताया नहीं है, है ना. नाउ नेक्स्ट इज सिखिज्म. सो इट वॉज फाउंडेड बाई गुरु नानक देव. गुरु नानक देव ने इसे फाउंड किया था. ही बिलीव्ड इन वन गॉड एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस. जो गुरु नानक जी थे वो मानते थे कि भगवान एक ही है और सारे लोग इक्वल हैं, बराबर हैं. इसलिए आज भी आप जब लोग कभी भी गुरुद्वारे जाओगे तो वहाँ जो लंगर होता है वहाँ सारे लोग, चाहे गरीब हो अमीर हो, एक साथ बैठ कर लंगर खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी पे बिलीव करते थे. वर्ड सिख का मतलब होता है डिसाइपल और स्टूडेंट, मतलब उनके बच्चे. नाउ जो स्टूडेंट्स हैं, शिष्य. नाउ होली बुक जो सिख की है वो गुरु साहिब है और आदि ग्रंथ है. इसमें कलेक्शंस ऑफ आइम है, बहुत सारे इन्होंने
इसमें श्लोक लिखे हुए हैं, देयर वर्शिप प्लेस इज कॉल्ड गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में वर्शिप होती है। विष्णु टेम्पल इन द सिटी ऑफ तिरुपति इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तिरुपति में जो विष्णु का टेम्पल है वो बहुत फेमस टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। नाउ रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है बच्चों? अ पर्सन हु मेक चेंजेस टू इम्प्रूव समथिंग, किसी चीज को सुधार करने के लिए जो कोई बड़ा बदलाव लेके आए वो रिफॉर्मर है। इक्विटेबल, फेयर एंड इम्पार्शियल, जो बराबर हो चीजों में और कोई भी पार्शियलिटी ना हो। पॉलीगैमी मतलब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक वाइफ से ज्यादा रखना, पॉलीगैमी। फिलॉसफी मतलब आइडियोलॉजी, सबकी एक आइडियोलॉजी थी कि अहिंसा के पथ पे चलो, किसी को मारो मत, युद्ध मत करो, तो ये अपनी अपनी फिलॉसफी थी। नाउ क्विक रिव्यू, इंडिया इज द बर्थ प्लेस, या हिंदूज में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सब इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। एवरी रिलीजन, हर रिलीजन की अपनी होली बुक होती है। सोशल रिफॉर्मर वर्कड अगेंस्ट द ईविल कस्टम, जो कस्टम्स लोगों को दुख पहुंचाते थे उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने आवाज उठाई और उनको सुधारा। कहा इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे किंग्स और एम्परर्स वांटेड टू डेवलप अ हेल्दी सोसाइटी फॉर अस, हमारे लिए एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा वर वेल डेवलप्ड साइंसेस इन एंशिएंट इंडिया, पुराने समय से ही हमारे यहाँ मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ हुए हैं, ठीक है, पुराने एंशियंट इंडिया से। इंडिया गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जीरो का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया ने ही दिया है। नाउ धम्मपद कंटेन द टीचिंग ऑफ, तो ये किसकी बुक है? लॉर्ड बुद्ध, बुद्धिस्ट की है। नाउ पारसी रिलीजन जो जोरास्त्र में था वो कहाँ है? ईरान में था। यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सोशल रिफॉर्मर, तो इनमें से सोशल रिफॉर्मर राजा राममोहन रॉय थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइंटिस्ट, तो एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, आर्यभट्ट ये साइंटिस्ट थे, लेकिन राजा राममोहन रॉय कौन थे? सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म धर्म को किसने फॉलो किया? गौतम बुद्ध ने। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, सो डैश फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को किसने फाउंड किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद ने जो बुक लिखी उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। नाउ नेक्स्ट इज डैश वॉज अ ट्रू किंग एंड वॉरियर, ट्रू किंग और वॉरियर किसे बोला जाता है? तो ट्रू किंग और वॉरियर जो हमारे यहाँ थे वो थे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। नाउ नेक्स्ट इज डैश बिकेम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध को के फॉलोअर कौन बन गए थे? तो अशोक, अशोका ने उनको फॉलो किया था कलिंग वॉर के बाद। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, उन्हें एनलाइटमेंट केवल ज्ञान मतलब पूरे ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कब हुई थी? तो कहाँ और कब हुई थी? तो उनको हुई थी गया में, गया कहाँ है? इंडिया में, और कहाँ? बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे उनकी इमेज में भी वो बोधि ट्री बना गया है और वो गया का है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, कुरान इज द होली बुक ऑफ सिख, फॉल्स, सिख की बुक नहीं है, मुस्लिम्स की है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्टैब्लिश किया था, यस दिस वन इज ट्रू। नाउ सिखिज्म जो है ओल्डेस्ट रिलीजन है, फॉल्स, ओल्डेस्ट रिलीजन हमारा हिंदूज में। नाउ अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, ग्रेट रूलर थे। नाउ चाइल्डहुड नेम ऑफ दयानंद वॉज मूल शंकर, मूल शंकर उनका चाइल्डहुड नेम था, सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो हेयर वी लर्न अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ अवर इंडिया, जो हमारे इंडिया के समाज को सुधार करने के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए उनके बारे में हमने पढ़ा, ग्रेट रूलर्स के बारे में पढ़ा, और क्या क्या समाज सुधारक किया। तो पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी उसको रोका, सती प्रथा हुआ करती थी उसे रोका, पॉलीगैमी को रोका कि एक से ज़्यादा वाइफ को नहीं रखना है, है ना। इस तरीके से मेजर चेंजेस आए अशोका की लाइफ में जब उन्होंने कलिंग का वॉर किया, कलिंग के वॉर के बाद वो बुद्ध धर्म को फॉलो करने लगे और फिर उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। इसी तरीके से हर एक टाइप के रिलीजन्स जो हैं हमारे इंडिया से ओरिजिनेटेड हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया एंड द रिलीजन्स फाउंड इन अवर इंडिया. ओके, थैंक यू क्लास.